रानीगंज थाना क्षेत्र के अलीनगर इलाके में एक व्यक्ति के घर में चोरी होने से फैली सनसनी। छत के रास्ते घर में घुसकर चोरों का दल नगद 35,000 रुपए, दो मोबाइल समेत लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस ने चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी है। रानीगंज थाना क्षेत्र के अलीनगर इलाके में चोरी की घटना को लेकर सनसनी फैल गई। सोमवार की देर रात चोरों ने एक व्यक्ति के घर में धावा बोलकर नकदी समेत लाखों के गहने उड़ा लिए। सोमवार सुबह चोरी की घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित व्यक्ति ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के बारे में बताया जाता है कि अलीनगर के निवासी मोहम्मद शहजाद सोमवार को आसनसोल गए थे। उनके परिवार के बाकी सदस्य घर में ही थे, लेकिन देर रात चोरों का दल दबे पाव उनके घर में घुसा और अलमारी तोड़कर उसमें से नगद 35,000 रुपए, दो मोबाइल और गहने समेत अन्य कई सामान लेकर फरार हो गए। मोहम्मद शहजाद ने कहा कि मंगलवार की सुबह परिवार के सदस्यों ने उन्हें चोरी के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने घर पहुंचकर देखा कि सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। देखिए, हम तो थे नहीं, आसनसोल गए हुए थे। उसके बाद में फ़ोन आया भोर में कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, घर में आपका चोरी हुआ। तो घर में चोरी हुआ तो फिर हम फौरन आए घर पे, तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ऊपर से चोर आया। चोर आने के बाद में अलमारी खोल करके सारा जेवरात लेके चला गया। 2.5 लाख का लगभग सोना होना था, सोना चांदी सब, और उसके बाद 35,000 रुपये कैश था, वो भी लेके चला गया। और यहाँ इतना चोर का अड्डा हो गया है अगर आपका जगह कि नशा करने वाला। क्या नाम हुआ जगह का? जगह का नाम अलीनगर है, समझे? और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अड्डाबाजी हो रहा है, समझे? दारू शराब सब यहाँ के पीता है, और उसके बाद में आपका वो जो पन्नी खोर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पन्नी खोर लोग यहाँ पे पन्नी पीता है। और उधर में एक रूम है, खटाल है, समझे? वहाँ पे ताश वगैरह बहुत खेलता है, दारू वारू सब पीता है। वही मोहम्मद शहजाद की पत्नी जुलेखा परवीन ने कहा कि भोर में करीब 3:30 बजे जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ऐसे में उन्हें शक हुआ और उन्होंने घर के भीतर देखा कि सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। उनके बिस्तर पर रखे दो मोबाइल गायब थे, साथ ही घर में रखी नकदी और सारे गहने भी चोर उठा ले गए थे। आज 3:30 बजे भोर में, मतलब हम मेरा खुला 3:30 बजे भोर में। तो आप जब उठी तो क्या देखी? देख रहे तो सब खुला हुआ है और सब सामान फेंका हुआ है और दरवाजा बाहर से बंद था। फिर जब खोले वोले तो सबको बुलाए और देख रहे, फिर किचन का सब सामान, किचन में भी जो पैसा वैसा था वो भी निकाल लिया है, और जो सामान जो डब्बा उब्बा था और डब्बा उब्बा सब किचन में रख दिया, और दोनों दो मोबाइल भी ले लिया, मतलब मेरे ही सिराना से निकाल लिया मोबाइल। पुलिस आए थे सुबह में तो सब पूछे उछे, उसके बाद फिर बोले ठीक है हम आएंगे 11 बजे करके, सबका जिसका जिसका फोटो है हम दिखाएंगे, आप पहचानिएगा। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।